क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स। आज हम आपको सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं, सेकंड टर्म का। ठीक है, तो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है आपका 13, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पे हम लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये एक ही एक्सरसाइज है, 13 बोल दीजिए, और ये वाला वर्क आपको नोटबुक पर करना है, सेकेंड टर्म लिख के आगे से काम करना शुरू कर देना है। दूसरी बात, आप लोगों के ऐसे वन एग्ज़ाम 25 डेट के बाद हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज से हम नया सिलेबस शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर, वो 13 चैप्टर का पहली एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंपोनेंट कम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उनके हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल या कम्प्लीमेंट निकालना है, या कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोल देते हैं। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी हमें अगर दो एंगल दे रखे हैं और उनको प्लस करेंगे, अगर सम 90 आ गया तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है, कम्प्लीमेंट्री। तो अगर मान लीजिए, अगर हमें एक एंगल अगर पता है तो हमें उसका दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो 90 में से हम जो गिवन एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहला नंबर दिया 35 डिग्री एंगल दिया है। ठीक है, तो पहला कह रहा है द गिवन एंगल मेजर 35 डिग्री। मान लेते हैं पहला एंगल, मान क्या लेते हैं, है ही पहला एंगल 35 है। लेट द मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट बी एक्स। मान लेते हैं इसका कम्प्लीमेंट एंगल कितना है, एक्स डिग्री है। तो अब इन दोनों को प्लस करो, x प्लस 35 इज इक्वल टू 90। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 35 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 डिग्री। कितना हो गया, 55 डिग्री। तो हैंस द कम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल विल बी 55 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया, 55 डिग्री का। ठीक, इसी तरह से आप इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लेंगे, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी पहला एंगल अब सेकंड वाले में 47 दिया है, अब इसका कम्प्लीमेंट एंगल क्या मान लेंगे हम, x। अब x में 47 को ऐड करेंगे तो 90। तो अब अगली लाइन में क्या करो, x इज इक्वल टू 90 माइनस 47 इज इक्वल टू 43 आ गए। 90 में से 47 को माइनस कर दो तो 43। तो हैंस द कम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल विल बी 43। तो कम्प्लीमेंट एंगल कितना, 43 डिग्री है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें सप्लीमेंट एंगल निकालने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। कितना सम हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं हम, पहला हमें 80 डिग्री एंगल दिया है, तो द गिवन एंगल मेजर 80 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री बी सप्लीमेंट बी एक्स। मान लेते इसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो एक्स डिग्री का है, तो अब एक्स में 80 को या 80 में एक्स को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। ये कितने के हो जाएगा, 180 के। तो हम 80 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। हैंस द कम्प्लीमेंट, सॉरी ये गलत लिख गया है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये सप्लीमेंट आएगा, ये गलत लिख दिया है, इसे काट देना। हैंस द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल विल बी 100 डिग्री। ठीक है, ये गलत लिख गया, ये सप्लीमेंट आएगा यहाँ पे। इसका इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक एंगल हमें 45 डिग्री का दिया है, तो द गिवन एंगल मेजर 54 डिग्री। तो लेट द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट बी x डिग्री। मान लेते हैं इसका सप्लीमेंट कितना है, x डिग्री का है, तो अब x में 54 को ऐड करेंगे, x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 54 डिग्री को उधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो हैंस द यहाँ पे ये सब जगह गलत लिख रखा है इसने, हैंस द सप्लीमेंट एंगल आएगा बेटा, ये यहाँ भी सप्लीमेंट आएगा, इधर भी ये सप्लीमेंट आएगा, तो ये आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो जहाँ कम्प्लीमेंट लिख रहा है वहाँ सप्लीमेंट लिखना है। तो द लेट इट द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट बी इज इक्वल टू एक्स,
एक्स में 54 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो हैंस द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल विल बी 126 डिग्री। ठीक है, तो 126 डिग्री का हो जाएगा इसका सप्लीमेंट। तो यहाँ पे ये काट देना, ये कप्लीमेंट लिख रहा है ना, इसको सप्लीमेंट लिखना है। ठीक, ऐसे इधर इधर कप्लीमेंट दिया, सप्लीमेंट लिखना है, इसको आप करेक्शन को सही कर लेना। ठीक, और बाकी के फिर सारे पार्ट आप अपने आप करेंगे। यहाँ भी करेक्शन करना है आपको, यहाँ यहाँ पे। ठीक,